यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जेई मेंस के 2019 के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और मैंने आपको बोला हुआ है कि इन सारे क्वेश्चंस का पर्पज एक ही है, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पेपर भी देख लिए। फिर क्यों मैं करवा रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स को डेवलप करना है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। वो छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करना जो जरूरी है, समझना है कि फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। कई लोग कन्फ्यूज होते हैं, गाइडें सॉल्व कर रहे होते हैं, कई बार टेस्ट सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस नहीं आती, हम डिप्रेशन में आते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, 11th 12th के कंसेप्ट बिल्ड करिए, पेपर अपने आप सॉल्व होगा। बस क्या डिफरेंस होता है वो एक चीज को बहुत अच्छे से कैच करिए। जैसे देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें, ये 19 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, कभी भी बोला जाए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन जीरो होगा। ये बेसिक है, खत्म, क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। अब इतना बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप सोचिए कैसे पॉसिबल होगा कि आप स्कोर कर पाए। इसका मतलब हुआ 4 × 1 + 3m का होल स्क्वायर माइनस 4a × c, 4 × 1 + m, दिस इज लेस देन जीरो। 4 को छोड़ दीजिए, अब इस 4 को अलग कर दीजिए इधर से, तो 1 + 9m² + 6m, राइट, माइनस ऑफ, अब आप केवल इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, 2m², तो माइनस ऑफ, चाहो तो एक स्टेप लिख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2m² 2m + m, 3m + 1, दिस इज लेस देन जीरो। अब इसको पूरा अरेंज करिए, क्या हो जाएगा, ये 9m² - 8m² माइनस 12m, ये प्लस 6m है, इसका मतलब माइनस 6m, ये 1 है, ये माइनस 4 है, माइनस 3 लेस देन जीरो। अब आपको बोला है इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ वैल्यू m की क्या होगी, m² - 6m - 3, राइट। अब इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर मैं देखूं तो m² - 6m + 9, तो -12 < 0, तो इसको लिख सकता हूं मैं m - 3 का होल स्क्वायर लेस देन 12। अब m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये देख लीजिए। अब द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m पूछा है, राइट, अब नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू m की क्या क्या होंगी, सबसे पहले आप बताइए इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। आपने बोला कि सर m की वैल्यू 0 होगी, 0 रखी तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। m की वैल्यू 1 रख लीजिए, जैसे m की वैल्यू 1 रखी, 2 का स्क्वायर 4, m की वैल्यू 2 ले लीजिए तो भी होगा, m की वैल्यू 3 ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, m की वैल्यू 4 ले लीजिए नो प्रॉब्लम, m की वैल्यू 5 ले लीजिए, 5 - 3 = 2, m की वैल्यू 6 ले लीजिए 9, पर m की वैल्यू जैसे ही आपने 7 ली तो 7 - 3 कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये नहीं होगी। ऐसे ही दिमाग आपका माइनस पे चल सकता है कि -1 क्यों नहीं, तो -1 रखा तो -4 वो भी नहीं होगी। तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी वैल्यू होंगी जिससे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी भी किया था। द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1 + 6 + 9 टाइम्स ऑफ 1² - 2² - 3² / 7 12, 1² - 2² - 3² / 4² / 9, 15, 1² - 2² - 5² / 11, up to 15 टर्म। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा लॉजिक है जो आप समझिए, up to 15 टर्म का एडिशन करना है, यहाँ पर 11 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, तो ऑब्वियसली यहाँ 5 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या होना चाहिए 3, अब अगर 5 है तो ऊपर भी 5 होना चाहिए, यहाँ पर 3 है तो ऊपर भी 3 होना चाहिए। अब आप लॉजिकली समझिए कि ये ऐसा है 3/3, यहां पर क्या है, ये है 6 × 1² + 2² / 5, ये है 9, 1² + 2² / 3² / 7। अब देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये 3, 6, 9 है, ये नीचे 3, 5, 7 है, तो मैं केवल 3 कॉमन ले लूं तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म होगा 1/3, फिर होगा 1² / 2² / 5, फिर होगा 1, 2 के साथ, ये 1 के साथ, फिर होगा 3 के साथ 1² / 2² / 3² / 7। अब अगर आप इसका जनरल टर्म निकाल लें तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, तो क्या होगा जनरल टर्म, देखिए 3 बाहर, अगर मैं बोलूं nth टर्म निकालें तो आप यही लिखते 1, 2, 3, तो n इंटू 1² - 2² / n² / देखिए क्या है 3, 5, 7, इसका nth टर्म जब भी निकालेंगे तो a + n - 1 × d, तो 2n + 1, राइट। अब इससे ही आपको
एन ए टर्म। अब ये इससे सम जब निकालेंगे तो देखिए पहले तो समझिए थ्री बार है, इस टाइप में कंफ्यूज मत होना। एन ये सिग्मा एन स्क्वायर है, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स इंटू टू एन प्लस वन, ये टू एन प्लस वन कैंसिल। अब बाय सिक्स यानी वन बाय टू बाहर आ गया, एक तरह से एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर हो गया, ये टी एन है। इससे एसएन जब भी निकालते हैं, आपको पढ़ाया हुआ है फाउंडेशन में बहुत ही डिटेल में, सिग्मा एन क्यूब प्लस सिग्मा एन स्क्वायर, राइट। अब एक चीज याद रखिएगा, आप यहां पर 15 टर्म का समेशन पूछा है तो सीधा सीधा 1 बाय 2, इन दोनों में एक फिगर कॉमन होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, अंदर ये बचेगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, यहां पर 2n प्लस 1 बाय 3। बस n की जगह आप जैसे ही 15 रखेंगे आपका आंसर मैच कर जाएगा, ये 16 बाय 2 हो गया, पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना, 15 इंटू 16 बाय 2 प्लस 31 बाय 3, जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।